सभी माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी संतान उच्च शिक्षा प्राप्त कर श्रेष्ठ जीवन यापन करे। अमीर हो या गरीब, हर कोई अपने तरीके से बच्चे को पूर्ण रूप से शिक्षा दिलवाने के लिए कोशिश करते हैं, परंतु मेहनत के साथ साथ किस्मत का होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा संपूर्ण जीवन नवग्रह एवं 12 राशियों पर आधारित है। शनि ऐसा क्रूर ग्रह है जो बच्चों की शिक्षा प्राप्ति में अकारण बाधा एवं परेशानी पैदा करता है। यदि शनि प्रतिकूल स्थिति में है तो अनेक प्रकार के विलंबन उत्पन्न करता है। आत्मविश्वास में कमी, स्मरण शक्ति की कमी, एकाग्र चित्त की कमी, पढ़ाई में मन नहीं लगना, सब कुछ आते हुए भी परीक्षा स्थल पर भूल जाना, या फिर भरपूर मेहनत के उपरांत भी यथेष्ट फल की प्राप्ति न हो पाना, यह सारी स्थितियां यदि आपके बच्चे में भी नजर आती हैं, तो घबराएं नहीं, शीघ्र ही मंगवाए गुरुदेव द्वारा विशेष रूप से अभिमंत्रित संपूर्ण विद्या प्रदायक किट, जिसमें आप पाएंगे विद्यादायक सरस्वती यंत्र, अभिमंत्रित सरस्वती रुद्राक्ष, विद्या प्रदायक पोटली, सरस्वती उपासना पुस्तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291-519-0000, 243-2625, 9829-0266-25। गुरुदेव सुरेश रिमाली जी से व्यक्तिगत मिलने के लिए संपर्क करें 20 से 22 नवंबर दिल्ली, संपर्क करें 6542-0685, 6454-4625, 23 नवंबर आगरा, संपर्क करें 0291-519-0000, 9314-728-165, 26 से 28 नवंबर मुंबई, संपर्क करें 9324-272446, 9322-377-660। जन्म कुंडली विश्लेषण। ऐसे कई काम होते हैं, प्रोफेशन होते हैं, ऐसे कई फील्ड होते हैं जिसमें इंसान के जान की जोखिम भी बनी हुई है, या लाइफ थ्रेटनिंग का काम भी कोई कुछ लोग करते हैं, जैसे पुलिस। कब एनकाउंटर में हमारा एनकाउंटर हो जाए, अभी कुछ दिनों पहले हमने सुना था कि बिहार के अंदर एक पुलिस वाले को ही एक गुंडे ने गोली मार दी और उसकी मृत्यु हो गई। वकालत में बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं, आबकारी विभाग में दुश्मन हो जाते हैं, कस्टम्स विभाग में बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं, केबल ऑपरेटर्स बहुत सारे उनके दुश्मन हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे महकमे हुए हैं जिनमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है। पुलिस ने किसी को पकड़ा, कोर्ट केस के कारण गुंडे को आपको आपकी वजह से सज़ा मिल गई, अवैध शराबबंदी पर आपने छापा मारकर किसी को गिरफ्तार कर लिया, और एयरपोर्ट पर ड्रग रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। इन सभी परिस्थितियों में आपके ऊपर भी एक्शन होने की कई ऐसे वाक्य हम लोग देखते हैं, इसीलिए आप उनकी हिट लिस्ट में नंबर वन पर भी हो सकते हैं। आज का मेरा कुंडली विश्लेषण ऐसे ही एक कस्टम्स के अधिकारी ने मुझसे संपर्क किया है, जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रग की ट्रैफिकिंग करते हुए एक नाइजीरियन को पकड़ा था और उसे 10 साल की सजा हो गई। यह बात नाइजीरिया में जब उसके परिवार और मित्रों को पता चली तो वो फोन के द्वारा इस कस्टम अधिकारी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। किसी भी अनहोनी होने की आशंका के चलते उनका परिवार और स्वयं ये अत्यधिक मानसिक दबाव में है। 36 साल 9 महीने के यह देशभक्त कस्टम ऑफिसर मुझसे जानना चाहते हैं कि ऑन ड्यूटी देश हित में अपने कर्तव्यों का पालन किया है, जिसका यह परिणाम है कि जिंदगी डर और दबाव में बदरंग सी होती जा रही है। क्या करें और क्या ना करें, यह जानना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या वाकई में कोई इनको मार सकता है, या फिर मारने वाला सिर्फ समय आने पर ऊपर वाला है। तो इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं और जानते हैं क्या है इनके ग्रहों का खेल। इस वक्त की कुंडली आपके सामने देखिए, कुंभ लगन की कुंडली, लग्न में ही केतु विराजमान है, जिसे हम लग्नेश, जिसके अंतर्गत लग्नेश बनते हैं शनि। देखिए लग्नेश का अर्थ है कि जैसे 11 नंबर लिखे हुए हैं, मान लीजिए मेरा घर 11 नंबर का है,
तो मेरे घर के बागान मालिक कौन होंगे? हम लोग ही हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, पिता हो सकते हैं, माँ हो सकती है, भाई हो सकते, कोई भी हो सकता है। वैसे ही आपका घर है, आपके घर के मुखिया कोई हो सकते हैं, मकान मालिक कोई हो सकते हैं। तो यहाँ पर लग्नेश यानी मकान मालिक कौन है? शनि। वो 8th हाउस में विराजमान है, वो भी कन्या राशि के, उच्चारोही, उच्च की तरफ जा रहे थे। दुनिया में ऐसे 1,00,000 में से एक आधा आदमी आपको मिलेगा जिसके अष्टम स्थान में शनि होने की वजह से जल्दी मृत्यु हो गई हो। वो श्रापित दोष, अकाल मृत्यु का दोष कुछ हो सकता है, बाकी आमतौर पर 8th हाउस के शनि ये नहीं होने देते हैं। यहाँ विराजमान होने से आपका व्यक्तित्व पूर्ण प्रभावशाली नहीं बन पाएगा तथा कुंभ लगन होने से जीवन में उतार चढ़ाव और संघर्ष भी बड़े लंबे समय तक रहता है। इंसान बहुत तरक्की करने के बाद बिगड़ता है, संघर्ष करने के बाद तरक्की मिलती है। बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। 7th हाउस, जहां पर मंगल, बृहस्पति, राहु सिंह राशि पांच नंबर में सिंह राशि विराजमान है। 7th हाउस के लॉर्ड सूर्य लाभ भाव यानी 11th हाउस प्रॉफिट हाउस में, गुरु 7th हाउस में होने से बना परिवर्तन राजयोग। गुरु सूर्य के घर में है और सूर्य गुरु के घर में, जहां 9 नंबर लिखे हुए सूर्य चंद्रमा दोनों, देखिए धनु राशि बनती है इनकी, और ये इंसान को उच्च पदासीन बनाते हैं, यानी आप चीफ कमिश्नर तक भी पहुंच पाएंगे, सीसी बन सकते हैं, कमिश्नर के पद तक पहुंच जाएंगे, अभी तो आप इंस्पेक्टर हैं। बढ़ते आगे, 10th हाउस में बुध वृद्धि चातुर्यता के साथ अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रबंधन कर असामाजिक तत्वों को पकड़ने में सफल बनाता है। आगे बढ़ते हैं, 7th हाउस में राहु और मंगल का अंगारक दोष व गुरु राहु का चांडाल दोष बन रहा है। यह दोष अज्ञात भय देता है और दुश्मनी पैदा करते हैं। आप जितने भी लोग अंगारक दोष और चांडाल दोष वाले लोग हैं, आप देखेंगे कि हमने किसी के लिए अच्छे कर्म किए, उसके लिए गर्दन भी कटवा दी, फिर भी कहेंगे भाई साहब आप टेढ़ी काटी आपने गर्दन, कम से कम सीधी तो काटते। आप बहुत लोगों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं, बदले में गलत फहमी पैदा हो जाती है और आपके संबंध उस इंसान से कमजोर हो जाते हैं, अपने ही परिवार के अंदर रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। ये सारा डिपार्टमेंट हमारे ज्योतिष में दिया है चांडाल दोष और अंगारक दोष को, लेकिन अष्टम का शनि जो मैंने पहले बता चुका हूं कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बढ़ते आगे, अब यहां पर देखिए सभी ग्रह केतु से राहु के मध्य विराजमान है, जिसे हम 100% कालसर्प योग तो नहीं कह सकते, लेकिन उससे कम नहीं कह सकते, यानी उतार चढ़ाव जीवन में परेशानियां डिस्टर्बेंसेज लाइफ का हिस्सा है। अब आपने काम ही ऐसा किया है, कस्टम्स में आप लोगों को पकड़ेंगे, जो पकड़ में आ गए जिसको 10 साल की सजा हुई है वो आपको बद्दुआ भी देगा, गालियां भी आपके खिलाफ बोलेगा, कहीं ना कहीं से कोशिश करेगा कि आपको दुखी कर सके, लेकिन क्या उसके सोचने से सारे काम हो जाएंगे? आपके अपने ग्रह काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 10th हाउस की तरफ ले जाना चाहूंगा, जहां मंगल व्यक्ति को वर्दीधारी नौकरी पुलिस प्रशासन एडमिन सर्विसेज में डालते हैं। यहां पर 10th हाउस के लॉर्ड जो बनते हैं मंगल, अब कर्म स्थान के लॉर्ड ही मंगल है, वहां पर बुध विराजमान है, बुध मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे ढंग से करवाते हैं, और मंगल में पहले आपको कह चुका हूं 7th हाउस में विराजमान है, बड़े सुंदर राजयोग बना रहे जो कि वर्दीदारी नौकरी करवाते तथा उन्हें साहसी और जोखिम भरे कार्यों से जोड़कर जांबाज बनाते हैं। 10th हाउस के लॉर्ड मंगल अपने से 10th हाउस में होने से आप यह कार्य धमकियों से डरकर नहीं छोड़ पाएंगे, यानी जहां 8 नंबर लिखा हो कुंडली का कर्म स्थान, हम काम क्या करेंगे जिंदगी के अंदर, उसके लॉर्ड मंगल अपने से 10th हाउस में, देखिए जब आप 8 से शुरू करते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, जब आप वहां से वहां पहुंचेंगे तो वो 10वां घर होगा, यानी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंतन करने की जरूरत है। बढ़ते आगे, अगला पॉइंट है 12th हाउस में शुक्र, जहां पर 10 नंबर लिखे हुए हैं, मकर राशि के अपने शिष्य के घर में शुक्र विराजमान है, जिसके कारण जीवन में कोई न्यूनता नहीं आएगी, आपने जैसी जिंदगी सोची है उससे बेहतर आप जिंदगी जिएंगे, ये तय है। सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान रखिए, हाथी की एक बड़ी अच्छी कहावत है कि हाथी अपनी मस्त चाल चलता रहता है, उसके पीछे कई कुत्ते भौंकते रहते हैं, उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसे दुनिया के बहुत सारे लोग हुए हैं, महात्मा गांधी के भी बड़े दुश्मन हुए, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं उनके भी बड़े दुश्मन हैं, सब लोग पीछे लगे ही रहते हैं हमेशा, लेकिन क्या वो उन चीजों की तरफ ध्यान देकर अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं? या सत्कर्मों में रहकर अपने कर्म करते जाइए, उनके भी अपने कर्म है दुश्मनों के, वो अपने कर्म करेंगे, जिसके कर्म में ईमानदारी होगी ईश्वर उसके साथ होगा और उसको न्याय मिलेगा। आपको सिर्फ यही कर्म करना है कि आपको सिर्फ अपने कर्म करते जाना है। आगे बढ़ते हैं, लग्न में केतु के कारण जीवन में कई निर्णय मूर्खता पूर्वक लेंगे। वर्तमान में चल रही मंगल की दशा अपने मनसूबों से आपको डिगा नहीं सकेगी, यानी
आपके हॉरोस्कोप में अच्छी चीज़ें पड़ी है लेकिन बुरी चीज़ें भी साथ में हैं। और आपको देखिए, मृत्यु तो आपकी होनी तय है ना, मैं जिंदा रहूंगा ना आप रहेंगे, ना आप अमर होने वाले ना मैं अमर होने वाला हूं, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे तब तक क्या हर रोज हम मौत को लेकर घबराते रहेंगे? नहीं, मौत तो एक दिन आनी है, कोई नहीं रोक सकता उसे। तो हम रोज क्यों मरे? जब एक दिन मरना ही है तो हर रोज हमें खुशियां मिलनी चाहिए। आप इन धमकियों से मत डरिए। आपकी कुंडली के अंदर मैं वादा करता हूं, अगर प्रॉब्लम होती तो मैं आपको कह देता, भाई ये टाइम आपके लिए खराब है, जॉब छोड़ दो, घर पे बैठ जाओ, कहीं कोई आश्रम आश्रम जाकर आप वहां पर रहकर साधनाएं करिए। ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। आप एक सच्चे देशभक्त हैं और देशभक्त ही रहेंगे। आपका काम है असामाजिक तत्वों के दिल में खौफ पैदा करना, ना कि आप उनके खौफ के आगे खुद ही बेबस हो जाएं, जो आपके व्यक्तित्व में नहीं है। आप एक लीडर और साहसी ऑफिसर हैं। असामाजिक तत्व आपके थोड़े से समय के लिए आपको टेंशन जरूर दे सकते हैं, लेकिन कुछ मैं उपाय बताने जा रहा हूं जिनका सहारा लेकर आप इन सारी समस्याओं से निजात पा लेंगे। अंगारक दोष नाशक सुरक्षा कवच गले में धारण करिए। कालसर्प दोष की एक पूजा हो सकती है, जो नारायण बलि, नागबलि और त्रिपंडी तीन पूजा करवाइए। 1.25 रति का नीलम धारण करिए और मां बगलामुखी अनुष्ठान संपन्न करें या करवाइए। तो ये था इनके जन्म कुंडली का विश्लेषण। गुरुदेव सुरेश रिमाली जी से व्यक्तिगत मिलने के लिए संपर्क करें 20 से 22 नवंबर दिल्ली, संपर्क करें 6542-06-85, 6454-4625, 23 नवंबर आगरा, संपर्क करें 02915190000, 9314728165, 26 से 28 नवंबर मुंबई, संपर्क करें 9324272446, 9322377660। जन्म कुंडली विश्लेषण ऐसा अक्सर देखने और सुनने में आता है जब भारतीय परिवार अपनी बेटियों का विवाह विदेश में रहने वाले भारतीय परिवार के बेटे से करते हैं। बेटे मतलब दामाद जो बाद में बन जाते हैं। विवाह के बाद वहां परमानेंट सेटल होने के लिए फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद नव विवाहित जिनकी शादी हुई है अपने पति के साथ रहने के लिए विदेश चली जाती है। कुछ लोग इसमें बड़े खुश होते हैं कि हमारी शादी विदेश में हो रही है, और बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते कि हम अपने माता पिता या अपने शहर को, अपने दोस्तों को, अपने उस एनवायरनमेंट को छोड़कर जाएं। ऐसी ही सिचुएशन आज मेरे कुंडली विश्लेषण में आप देखेंगे, जहां 30 साल और 11 महीने तकरीबन 31 साल समझ लीजिए महिला जिसने लॉ की डिग्री हासिल की थी, शादी के बाद मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो जाती है। शुरू से ही इन्हें बच्चे पसंद है, लेकिन लगातार प्रयास के बावजूद विवाह के तकरीबन एक साल के बाद ही इन्हें संतान सुख नहीं मिला, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट ये सारी चीज़ें जो एक शुरुआत हो जाती है वहाँ पर शुरू हो गई। खाली बैठना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। वहीं इनकी लॉ की डिग्री भी वहाँ यूजलेस है। वहाँ का लॉ अलग है, हमारे हिंदुस्तान का लॉ अलग है, कुछ हद तक इंग्लैंड में ज़रूर काम आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय पहले इनके पति का ट्रांसफ़र भी दूसरे शहर में हो गया। ये मेलबर्न में रहने लगी क्योंकि इनका मकान था वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी जहां वे इन्हें ले जाने में असमर्थ रहे, और पति की ट्रांसफ़र हो गई ब्रिस्बेन में जो कि काफ़ी दूर है। चूंकि इन्हें बच्चों से बहुत लगाव है इसीलिए ये मुझसे बच्चों से संबंधित दो प्रश्न पूछना चाह रही है। पहला, इनकी स्वयं की संतान कब होगी, होगी भी कि नहीं होगी? दूसरा, क्या ये डे केयर सेंटर खोलने का निर्णय ले सकती हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया में और बाहर की कंट्रीज़ में हैं कि जिनके छोटे बच्चे हैं और पति पत्नी दोनों ही जॉब करते हैं, लेकिन बच्चा इतना छोटा है कि उसे आप स्कूल भेज नहीं सकते हैं। तो डे केयर सेंटर होता है जहां माँ नहीं लेकिन माँ से कुछ कम नहीं होती है महिलाएं, जो कि उन बच्चों का देखरेख करती है,
उनके खान पान का ध्यान रखती हैं, उनके डेली रूटीन के काम का ध्यान रखती हैं, शाम को आकर वो माँ बाप अपने बच्चों को ले जाते हैं, तो क्या ये वो काम कर सकती है, फायदेमंद रहेगा? तो इन्हीं दोनों प्रश्नों के जवाब आइए इनके जन्म कुंडली में हम ढूंढते हैं और देखते हैं क्या है इनके ग्रहों का खेल। इस वक्त आपके सामने जन्म कुंडली है, देखिए सूर्य केतु तुला लग्न में साथ में विराजमान है, जिसे हम तुला लग्न की कुंडली कहते ही हैं, या लग्नेश बनते हैं शुक्र जो नीच राशि के होकर 12th हाउस में मंगल के साथ विराजमान है। शुक्र है कौन? मैरिटल लाइफ के लॉर्ड और फैसिलिटीज के लॉर्ड, जीवन को कैसे खुश तरीके से जिया जा सके उसके लॉर्ड है। खुद मेलबर्न में, जिससे खुश रह सकती पति से वो ब्रिस्बेन में दूर है। दूसरा, इनको बच्चे पसंद हैं, बच्चे इनके खुद के हैं नहीं, अब दूसरों के बच्चों के सहारे कैसे जीवन जिएंगे इसका प्रश्न का जवाब आगे देंगे। तो मंगल शुक्र की युति और शुक्र नीच राशि का, ये मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करता है। अब डिस्टर्ब है इसका मतलब ये कतई नहीं हो सकता है कि आपके लड़ाई झगड़े होंगे, डाइवोर्स होगा, सेपरेशन होगा या कुछ और ऐसी तकरार होगी। आप दूर दूर रहते हैं तो भी आपका सेपरेशन ही एक तरह से। अब ये मंगल शुक्र ने अपना काम पूरा किया। विवाह के पश्चात गृहस्थ जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी मंगल शुक्र तो जरूर करते हैं, खैर इसको वो तकलीफ नहीं है। ये कह रही है मेरे पति तरक्की कर रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, दो चार महीने में एक बार मिलेंगी। ऐसे बहुत सारे फौजी भाई बहन हैं, भाई हैं जो दूर रहते हैं, तो क्या करें, अपने घर पे तो वो सारी बटालियन को लेकर रह नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। बुध और मंगल का परिवर्तन योग यहां पर बन रहा है। यहां देखिए मंगल, देखिए कन्या राशि में विराजमान है और कन्या राशि के लॉर्ड बनते हैं बुध, वो वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर विराजमान है। 8 में बुध, 6 में मंगल, आप मेरे घर में और मैं आपके घर में, अब हम एक दूसरे घर का ख्याल तो रखेंगे ही रखेंगे। 12th और 2nd हाउस का परिवर्तन योग काफी अच्छा माना जाता है। यह योग व्यापार में वृद्धि, परिवार में वृद्धि, धन में वृद्धि ये जरूर करवाएंगे। तो आपके बच्चे नहीं हो ऐसा मुझे अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है, हालांकि संतान भाव से इसको जोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो कुल मिलाकर ये विदेश के घर में और धन भाव से जुड़ा हुआ, यानी आपके विदेश में रहना तय है। मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जरूर आएंगे, पति पास में नहीं है, मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब है, संतान में वैसे भी तकलीफ आएगी। 11th हाउस की तरफ आप लोगों को ले जाना चाहूंगा, जहां पर 5 नंबर लिखे हैं वो कुंडली के 11th हाउस है। 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं सूर्य, जो कि नीच राशि होकर लग्न में विराजमान है, वो भी केतु के साथ बैठकर ग्रहण दोष बना रहे हैं। यह दोष मानसिक संताप, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन कमी, कभी कॉन्फिडेंस की कमी, माइंड को वेवरिंग करना, डिसीजन मेकिंग पावर का कमजोर होना, लोनली फील करना, वैसे भी अकेली है, बच्चा जिसके सहारे जीवन गुजारा जा सकता था वो हुआ ही नहीं, पति जिसके साथ जीवन गुजारने के लिए हिंदुस्तान छोड़कर मेलबर्न जाकर बैठी है, पति भी पास में नहीं है, वहां तो ऐसा कोई सोशल नेटवर्क होता भी नहीं है कि आप रोजाना ही लोगों से मिलते रहें, तो अब क्या किया जाए। तो ये मानसिक अशांति ये दे रहे हैं और आत्मविश्वास पर भी कमी करते हैं। वहीं केतु की 5वीं दृष्टि संतान भाव पर है। देखिए 7 से लेकर 11 की तरफ एक एरो जा रहा है, जो अबॉर्शन, मिसकैरेज और ऑपरेशन का कारण बनता है। आगे चलते हैं, लग्न भाव पाप कर्तरी दोष के मध्य भी है, जिस कारण भी इंसान को कष्ट भोगना पड़ता है। देखिए लग्न के आगे शनि और पीछे मंगल, शनि मंगल खुद आपस में दुश्मन है, कैंची, कैंची की दो धार के बीच में जो आएगा वो कट जाएगा। अब ये पाप कर्तरी दोष भी जीवन में कई तरह की कठिनाइयां, परेशानियां, दुविधाएं और व्याधियां उत्पन्न करते हैं, थोड़ा सा संघर्ष जरूर करवाते हैं। बढ़ते आगे, जहां तक संतान का प्रश्न है, 5th हाउस के लॉर्ड शनि बुध के साथ 2nd हाउस में विराजमान होने से संतान में विलंब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शनि शनि चले जो शनिश्चर, यानी 3 दिन के काम को 13 दिन में कैसे करवाना है। तो संतान के लॉर्ड 2nd हाउस में कौन है, शनि, शनि न्यायाधीश है, इसलिए आपने वकालत की पढ़ाई की काम ही नहीं आई। ये शनि 2nd हाउस में डैमेज हो गए हैं क्योंकि शत्रु राशि में चले गए, इस कारण संतान होगी जरूर, परंतु गुरु नीच के होकर अपने से 12th हाउस में होने से, देखिए यहां पर देवताओं के गुरु बृहस्पति जो है वो शनि के घर में विराजमान है 4th हाउस, वो नीच राशि के होकर शनि की तीसरी दृष्टि भी संतान के भाव के जो कारक हैं बृहस्पति उस पर आ रही है, यानी 8 से लेकर 10 की तरफ एक एरो जा रहा है जो संतान में विलंब का कारण बनता है, संतान उपाय के पश्चात ही संभव हो सकेगी। अगले पॉइंट की तरफ जाना चाहूंगा, संतान कारक गुरु नीच राशि के होते हैं तो वैसे भी संतान सुख और संतान से सुख में प्रॉब्लम आती है। कुल मिलाकर संतान में तो यहां तकलीफ दिख रही है, पर डे केयर सेंटर के लिए श्रेष्ठ समय है, क्योंकि 29 अक्टूबर 2016 से 30 दिसंबर 2019 तक शुक्र में शनि का अंतर श्रेष्ठ परिणाम देंगे, यानी अगर आपने ये डे केयर सेंटर नहीं खोला तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। 29 अक्टूबर 2016 से
अक्टूबर 2018 के मध्य संतान होने के पूर्ण योग घटित हो रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बिना साधना और बिना उपाय के नहीं हो पाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, विषम परिस्थितियों में ही किसी व्यक्ति की पहचान होती है, उसमें कितना संयम बरता जाए वो परीक्षा के समय ही आपको पता लगता है। अब इस समय आपका संयम, धीरज, धैर्य, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब चाहें हमारे को बच्चा हो जाए, ये तो आपकी खुशी है, पर ईश्वर की खुशी क्या है कि सही समय पर सही योग्य और आपके कर्मों के अनुसार आपको संतान मिले। तो ईश्वर के न्याय पर विश्वास रखिए, गॉड इज सो काइंड, वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। आपके लिए थोड़ा सा डिले जरूर हो रहा है, पर वो अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए घबराएं नहीं, परेशान होने से कुछ नहीं मिलने वाला है, तकलीफें और बढ़ेगी। तो डे केयर सेंटर आपको तुरंत खोलना चाहिए, पहला काम। पति पत्नी के संबंध, दाम्पत्य जीवन थोड़े से वो दूर हैं, इसको ठीक करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए कुछ मैं अब आपको उपाय बताना चाह रहा हूँ, जिनका तुरंत आप सहारा लीजिए और उपायों को शुरू कीजिए। सबसे पहले देखिए, पति और पत्नी दोनों पांच रति या सवा पांच रति का पुखराज, पीला पुखराज होता है, उसे धारण करिए, जो कि श्रीलंका में उसकी माइंस हैं शिलोन के अंदर, जिसे हम सफायर कहते हैं। एक ही माइंस होती है, जिसमें वो माइंस में सफायर अगर पीला निकल गया तो उसे येलो सफायर, नीला निकल गया तो उसे ब्लू सफायर यानी नीलम कहा जाता है। वो मंगवाइए, गले में धारण करिए या फिर फर्स्ट फिंगर में गोल्ड में धारण करिए। दूसरा, संतान गोपाल साधना करनी 90 दिन तक, 125,000 जाप पति पत्नी दोनों मिलकर करिए। अब ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि आप कहीं और हैं, पति कहीं और हैं, इसलिए आप अपने हिस्से के 90 दिन तक पाठ करिए, बाकी बचे हुए पाठ आपके पति करेंगे 90 दिन तक। दोनों साथ में एक ही समय पर करें या उस समय के आसपास करें तो ज़्यादा अच्छा है। सूर्य नीच राशि के होने के कारण साल में तकरीबन 9 बार अपने वजन के बराबर गेहूं का दान करिए। पापकर्तृ दोष निवारण हेतु पारद का एक शिवलिंग बनता है 125 किलो का, उसे स्थापित करके रुद्राभिषेक संपन्न कराइए और दशरथ कृत शनि स्त्रोत्र का पाठ करिए। ये सारे उपाय करने के बाद अगली जन्मपत्री आपके बच्चे की मैं देखूंगा, ये मेरा वादा रहा आपसे, चिंता नहीं, चिंतन करिए। तो ये था इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण। हो सकता है कि हम भी आप भी कोई समस्या से गुजर रहे हो, तो क्यों ना समय रहते जन्म कुंडली विश्लेषण हो जाए, ताकि समस्या का समाधान भी हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। सुख समृद्धि ऐश्वर्य चले आए आपकी द्वार। हर व्यक्ति के मन में सदैव यही इच्छा रहती है कि जैसे भी हो उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, उसके व्यवसायिक स्थल अथवा घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो। यदि आपके परिवार पर ऋण का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा हो, आपके घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा एवं तनावपूर्ण स्थितियां बनी रहती हो, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में उन्नति न हो पा रही हो, आय की अपेक्षा व्यय अधिक बना रहता हो, रोग ने घर में पैर पसार लिए हो, कुल मिलाकर घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान में हानि, परेशानी व चिंताएं बनी रहना, इन सभी समस्याओं का निराकरण है संपूर्ण सुख समृद्धि किट। यदि आप भी अपने घर एवं व्यवसायिक स्थल में स्थायी सुख संपत्ति, ऐश्वर्य व समृद्धि प्राप्त कर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही अपने घर में स्थापित करें प्राण प्रतिष्ठा युक्त अभिमंत्रित संपूर्ण सुख समृद्धि किट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291-519-0000, 243-2625, 9829-0266-25, 8955-89-6625, ईमेल info@grahukakhel.com.in, वेबसाइट www.grahukakhel.com.in।